कैसे हो आप? कौन है ये छोटी सी लड़की जिसने छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया में अपना नाम कर लिया है? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एलिजाबेथ की, जो कि ब्रिटेन की निवासी है, और आप देख रहे हैं बालाजी क्लासेस। मैं हूं मनीष, स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं एलिजाबेथ के बारे में। देखिए, बात पिछले साल की है, जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही थी, लोग मर रहे थे, तब क्या होता है कि एक 6 साल की बच्ची की नासा का एक प्रेजुरेंस जो रोवर है वो चांद पर उतरता है और उसे टीवी पर देख रही होती है। इस न्यूज़ से उसको इतनी प्रभावित होती है कि वो भी एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पाल लेती है और चांद पर जाने का एक सपना सजोने लग जाती है। कुछ समय बाद क्या करती है, वो एक छोटा सा एक रॉकेट भी बनाती है जो कि 30 फुट की ऊंचाई पे जाता है। इसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उसने किस तरीके से बनाया था वो चीज़ें, किस कौन सी कंपनी ने उसका सहयोग किया था। लेकिन फिलहाल जो खबर ये आ रही है कि दुनिया की पहली ये बच्ची बन गई जिसकी बनाई गई कोई चीज़ चांद पर जाएगी। तो ये एलिजाबेथ नॉर्मन जो कि ब्रिटेन की निवासी है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसको क्या है कि एक उभरती हुई एस्ट्रोनॉट भी कहा जा रहा है। तो हम बात करते हैं कि एस्ट्रोनॉट क्या होता है। देखिए, एस्ट्रोनॉट का जो हिंदी में मतलब है वो होता है अंतरिक्ष यात्री, यानी जब कोई इंसान अंतरिक्ष में जाता है तो इसे ही अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। इसे ही हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट कह देते हैं और कॉस्मोनॉट भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अंतरिक्ष में जाएगा क्या। एक्चुअली क्या है कि इसने एक स्टिकर डिजाइन किया था, ये आप देख सकते हैं, एक ही जगह इसने लगाया रॉकेट एस्ट्रो डिजीज लैब, ठीक है, और ये लिखा हुआ इधर वी आर गोइंग टू द मून विलियम। तो ये जो स्टिकर बनाए गए हैं, ये स्टिकर चांद पर पहुंचाया जाएगा। चांद पर टाइम कैप्सूल जो कि 1972 में ले जाया गया था, उस कैप्सूल के अंदर इसका जो स्टिकर है वो वहां पे रखा जाएगा। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है डिजीज लैब, ये क्या है, ये एलिजाबेथ का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसका ये नाम लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कि ये टाइम कैप्सूल क्या है। ये टाइम कैप्सूल आप देख सकते हैं कि ये टाइम कैप्सूल इस तरह का होता है कुछ। एक्चुअल में क्या होता है, भी किसी तरीके की जानकारी इस टाइम कैप्सूल में रख दी जाती है और उसे ज़मीन में दफना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइम कैप्सूल है इसके ऊपर ये सोशल मीडिया का इसका अकाउंट है और भी बहुत सी चीज़ें होगी, तो ये सब चीज़ें क्या की जाएगी, चांद पर ले जा करके दफना दी जाएगी। तो ये थी एलिजाबेथ के बारे में बेसिक जानकारी, जो आज अखबार में हर जगह आप देखिए हर आर्टिकल में इसके बारे में छप रहा था। उसके बाद देखिए हम जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जो विश्व का पहला एस्ट्रोनॉट था या विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री था वो कौन था। देखिए, यूरी गागरिन था, इसके बारे में आपको सबको पता है। ये जो पूर्व सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है वहाँ के थे। इनका जो यान था उस यान का क्या नाम था, वोस्तोक था। और अगर हम बात करें विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में, तो वो भी सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं वहाँ की थी, और इसका नाम क्या था, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। उसके बाद हम भारत की अगर बात करें, भारत के सापेक्ष में हम बात करते हैं, तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बिल्कुल सभी को पता है, राकेश शर्मा। ठीक है, देखिए ये विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उसके बाद अगर हम महिला की बात करें तो महिला कौन है, सबको पता है, कल्पना चावला। देखिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वापिस आते वक्त कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान था, इनके यान का नाम कोलंबिया था, ये एक बार पूछा भी गया था कि कल्पना चावला के यान अंतरिक्ष यान का क्या नाम था, तो उसके नाम था कोलंबिया। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लॉ की डिग्री ली थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कुछ शायद बचा ही नहीं बात करने के लिए, लाइक इतना ही मैटर था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बालाजी क्लासेस बाय मनीष सर, इसको ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।